भाई देश भर के किसान लगभग, मैं यह मानता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा किसानों और कृषि के हित में बनाए गए कानूनों का समर्थन कर रहे हैं, और जिन किसान भाइयों को कोई भी आपत्ति है सरकार के द्वार हर समय खुले हुए हैं, वो बताएं कानून के किस पार्ट पर क्या आपत्ति है। विरोधी दल किसानों के कंधे का इस्तेमाल करके सरकार पर प्रहार करने का रास्ता खोज रहे हैं, और जब भी मैं यह कह सकता हूं कि इनको इनके पास दम बची नहीं है, कोई भी विषय को लेकर के किसी के पीछे खड़े होकर के सरकार पर जो निशाना लगाने की कोशिश करते हैं, ये जन्मजात किसानों के दुश्मन हैं, विरोधी हैं, ये किसानों के कभी हितैषी नहीं रहे। जो बातें इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कही है उस बात से पीछे हट रहे हैं, और जिन बातों का ये जब सत्ता में थे समर्थन करते थे, आज जब सरकार ने निर्णय लिया है जिससे किसान की खुशहाली सुनिश्चित है, उसका विरोध। 1500 किलोमीटर प्लास्टिक की सड़क बनाने की बात सामने आ रही है। नहीं, पूरे 1500 किलोमीटर से शुरुआत कर रहे हैं। आने वाले समय में प्लास्टिक का जो भी कचरा है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है कि हम गंदगी से मुक्त भारत रखें, तो ऐसे प्लास्टिक के कचरे से मुक्त भारत रख करके हम पशु पक्षियों की और पर्यावरण की रक्षा। सरकार का कोई नरम रूप आया क्या, कोई नया अध्यादेश लागू हो सकता है परिवर्तन के कानून में? नहीं, देखिए सम्मानित किसानों को, क्योंकि अन्नपूर्णा मैया की नगरी में हूँ और अन्नदाताओं के लिए सरकार ने स्पष्ट तौर से कहा हुआ है कि हम जो प्रस्ताव दिए हैं पहले वार्ता के क्रम में दिए हैं, अगर किसानों को जिन संगठनों के द्वारा इसका नेतृत्व किया जा रहा है जो इस पर कुछ कहना चाहते हैं वो आकर के कहें। वह समाजवादी पार्टी समाप्त पार्टी है। आजमगढ़ में अखिलेश यादव जी पहुंचे थे और लगातार रूप से समर्थन की बातें कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी ये जान लें कि अगर बिहार में जंगल राज नहीं आया तो यूपी में पुनः गुंडा राज वापस नहीं।